हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति टिप्स। आज हम बात करेंगे फोड़ा फुंसी के बारे में। आज मैं उनके कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर में ही अपने फोड़ा फुंसी ठीक कर सकते हैं। आप लोग, क्या होता है कि किसी फोड़ा फुंसी एक तो लगते बहुत ख़राब है, अगर किसी को हो जाए तो कितना ज़्यादा ख़राब लगता है, और उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं उनको घरेलू उपाय बताती हूँ जिससे कि आप उससे दर्द से राहत, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर को तो दिखवाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊँगी जिससे आपको नुकसान नहीं होगा और आपके फोड़ों में दर्द से भी राहत मिलेगा और फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाएगा। तो ये जानते हैं वो कैसे, वो कौन से घरेलू उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, वीडियो पूरा देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। तो पहला ये है कि आपको अगर फोड़ा फुंसी है तो आपको करना क्या चाहिए, पहले तो अपने घर में ही उपाय कर लेना चाहिए, ताकि पैसे, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो पैसे लेते ही हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं। तो आपके उसके लिए आपको चाहिए होगा हल्दी पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें एक चम्मच घी मिला लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और जहाँ पे आपको फोड़ा फुंसी है वहीं पे उसे अप्लाई कर लीजिए। ऐसा कुछ ही दिनों करेंगे तो आपकी जो फुंसी फोड़ा है उसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको पहले दिन से ही आराम लगेगा। फोड़े में अगर दर्द है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको फोड़ा ज़्यादा, मतलब हार्ड है यानी कि मजबूत है, तो अगर उस, अगर ज़्यादा हार्ड है और वो फूट नहीं रहा है और अंदर से एकदम टाइट लग रहा है, ठोस है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करिए। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नमक मिलाइए और दोनों का अच्छे से लेप बना लीजिए और उस पर आपको लगा लेना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद जब भी आप, इससे क्या होगा कि आपके फोड़ा पकेगा और पक्के फूट जाएगा। तो ऐसा आपको करना है, और जब वो फूट जाए तो जब आप उसे निकालने लगो, जब ये लेप लगाने के बाद जब आप इसे निकालोगे 20 मिनट के बाद, तो थोड़ा सा उसे प्रेस करें, मतलब उसको दबाएं, दबाने के बाद उसको दबाते हुए उसका जो मल है अंदर से वो निकालें, उसके अंदर जो भरा हुआ है उसको साफ कर दें, क्योंकि वो सब ठीक हो जाएगा, पक जाएगा तो निकल जाएगा, फिर आपका फोड़ा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दर्द नहीं होगा और बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और फोड़ा होता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है, लोगों में जाना भी अच्छा नहीं लगता, कई दिनों तक दर्द बना रहता है। तो आप इन उपाय को अपनाइए और आपके जो जड़ से फोड़े फुंसे होते हैं ना वो होंगे नहीं। अगर आपको हो रहे हैं तो शुरू में ही आप ऐसा कर लीजिए तो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब होंगे ही नहीं फिर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्योति टिप्स नाम से है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। नमस्कार।